गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्ते। तो देखिए, हमारा नहाना भी हो गया, पूजा भी हो गया, तो चलिए अब चाय पी लेती हूँ, फिर खाना दोपहर का खाना बनाऊंगी। बनाएंगे सूखे हुए आम की चटनी। तो चलिए, इसको पहले गर्म पानी में भिगोने दूंगी। गर्म पानी से भिगोने देने से आम भी साफ हो जाएगा, फिर इसको अच्छी तरह से धो लेंगे। तो चलिए, पहले इसको गर्म पानी करके भिगोने दे देती हूँ। हमारा नाश्ता भी हो गया है, चलिए अब दुकान जा रहा हूँ मैं। चलिए, ताला लगा लूँ गेट पे। चल रही हूँ। रामू कैसे सबसे लड़ रहा है पानी के। मेरा 3-4 पीस फिश है, उसको पपीता ऐड करके बनाऊंगी। पपीता में पहले फिश, इधर कुंदरी भुंजिया, इधर देखिए हमारा आम भी बिक गया है। तो चलिए पहले आम की चटनी बना लेती हूँ। मैं सामान भी ले आया हूँ, देखिए गुड़, चावल, तेल। चलिए पहले गुड़ निकाले हूँ मैंने, क्योंकि आम वाली चटनी बनाऊ। किंदरी भूंज लिया हो, देखिए अब चटनी बनाऊंगी। तो 5 फोड़न, 2 सूखी मिर्च, तो ऐसे लाल हो जाएगा, उसको दाम आम को डाल दूंगी। देखिए 5 फोड़न का सूखी मिर्च लाल हो गया है। आम को अच्छी तरह से धो दिया था, हल्दी पाउडर और नमक स्वाद अनुसार डाल दिया। चलिए आम को अच्छी तरह से भून लेती हूँ। तो आम को भून लिया हूँ और पानी मिला रही हूँ। अब गुड़ को भी ऐड कर दूंगी। चलिए ढक लेती हूँ, बन गई है। तो चलिए अब गैस बंद कर देती हूँ। अब पपीता पीस वाले बनाऊंगी, पपीता पीस। तेल ऐड कर रही हूँ। चलिए पपीता वाली पीस करी बना लेती हूँ। बंगाली रंधोनी बोलते इसे, मेरा मैं ऐड कर दिया हूँ। प्याज, चलिए प्याज को भून लेती हूँ। पपीता आलू कट कर देती हूँ। प्याज भी भून लिया था, मेरे रांधोनी की खुशबू भी ले ली हूँ। देखो पपीता का भूज रही हूँ, हल्दी नमक मिला दिया हूँ, स्वाद अनुसार नमक और हल्दी पाउडर, अदरक और हरी मिर्च भीज के रखती हूँ। पपीता आलू भूज गया है, अब फिर इसमें थोड़ा मिला देती हूँ। ये पपीता उबल जाएगा, उसके बाद हम इसको ऐड करेंगे। देखिए फिश बिल्कुल, पपीता वाली फिश बिल्कुल बनकर तैयार। तो चलिए अब खाना खा लेती हूँ, फिर शाम को मिलते हैं भुट्टे के पकोड़े के साथ। कैसे भुट्टे का पकोड़ा बनाऊंगी आज, बनाएंगे हम भुट्टा का पकोड़ी। तो चलिए पहले हम भुट्टे को छील लेते हैं, उसके बाद हम पकोड़ी बनाएंगे। तो चलिए भुट्टे को कैसे छीलते हैं दिखाती हूँ। हमने लहसुन की कलियां लिया हूँ, हरी मिर्च और टुकड़ा अदरक। तो चलिए इनको पीस लेती हूँ। आप इसे गुड़ के साथ भी बना सकते हैं, मीठा बड़ा भी पकौड़ा। तो मैं भुट्टा को हम पीसेंगे, इसमें पानी बिल्कुल नहीं मिलाऊंगी, नहीं तो ये पानी पानी सा हो जाएगा। तो चलिए भुट्टा को पीस लेते हैं। भुट्टा को देखिए पीस लिया हूँ, ये लहसुन और हरी मिर्च वाला पीस के रखी हूँ, तो उसे गुड़ वाला भी बनाऊंगी। तो देखिए मैंने मिक्सी में गुड़ भी ऐड कर दिया हूँ, ये बगैर प्याज लहसुन का पीसी हूँ। तो चलिए पीस लेते हैं। चलिए नमक मिला देती हूँ, नमक पहले नहीं मिलाऊंगी, जब तलूंगी उसी टाइम नमक मिलाऊंगी, नहीं तो इसमें पानी आ जाएगा नमक मिलाने से ही। तो मैं तलने जा रही हूँ। चलिए अब नमक मिलाती हूँ, स्वाद अनुसार नमक मिला रही हूँ। चलिए इसको मिला लूँ, पानी नहीं मिलाया हूँ, पकड़ी कैसे गिला गिला सा हुआ है। चलिए अब छान लेती हूँ। मैंने इधर चाय भी चढ़ा दी, तो तेल भी गर्म हो रहा है, तो अदरक डालूंगी। मैंने चीनी चाय पत्ती डाल दिया पहले ही, तो उसको लग जाएगा, उसको रंग दूध डालूंगी। इधर चाय भी बन गया है, इधर तेल भी गर्म हो गया है। चलिए तल लेती हूँ। चलिए तल लेती हूँ। देखिए आधा हमारा गोल्डन कलर का हो गया है,
है कितना फूला है ये भुट्टा का पकौड़े, खाने में भी इतना स्वाद है ये भुट्टा की पकौड़ी, एक बार घर में ज़रूर ट्राई करिएगा। जब हमारे घर में मेहमान आए थे मैंने ये भुट्टा की पकौड़ी बना के खिलाए थे तो बहुत टेस्टी बना है। ये हमारे मायके की तरह बहुत बनता है ये भुट्टा की पकौड़ी झारखंड में। तो चलिए भुट्टा की पकौड़ी को दोनों तरफ गोल्डन कलर कर लेंगे, उसके बाद हम निकाल लेंगे। ये झारखंड की है भुट्टा की पकौड़ी। ये भुट्टा की पकौड़ी कैसे फूला है, कितना फूला फूला हुआ है, गोल्डन कलर का भी हो गया। और थोड़ी सी कर लूँ, और ये खाने में बहुत क्रिस्पी भी होता है ये पकौड़ी। ज़्यादा हमारा गोल्डन कलर हो गया है, इसको निकाल लेते, देखिए कैसा बना है भुट्टा का पकौड़ी। चलिए इसको निकाल लूँगी, उसके बाद गुड़ वाला भी बना लेती हूँ। अब देखिए मैं गुड़ वाला भी बना रही हूँ। देखिए ये गुड़ वाला कैसा, देखिए ये भी कितना फूला है, और ये लहसुन और हरी मिर्च वाला, देखिए दोनों कितना। चलिए झारखंड स्टाइल में भुट्टा के पकौड़े के साथ चाय पीना स्टार्ट करते हैं। इधर देखिए हमने चाय भी ले आई हूँ, चाय और बिस्किट, तो चलिए खा लेते हैं चाय। देखिए मेरे बेटा ने उतर गया है पकौड़ी खाने के लिए, और भला हम चाहे हाँ मम्मी बोटे ये वाला कौन सा भुट्टा का अच्छा है। ब्लॉग यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। नमस्ते, टेक केयर, बाय बाय।